प्रदेश में सैकड़ों पंचायतों व क्षेत्र के लोगों ने टीसीपी से बाहर करने को सरकार को आवेदन किया है, जिसको लेकर सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया की जनता को राह देने के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। टीसीपी में किन क्षेत्रों को शामिल करना है और किन्हें बाहर, इस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जुलाई को हुई कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में एक प्रश्नावली टीसीपी अधिकारियों और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों से जानकारी और सुझाव एकत्र कर कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी मानसून सत्र के दौरान कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। सरकार पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की टीसीपी नीति को भी स्टडी करेगी, जिससे सरकार को टीसीपी में संशोधन में मदद मिल सके। सरकार पूर्व में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जानबूझकर बिना नक्शे पास किए मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई अमल में लाएगी। सूचना मुहैया कराने के उपरांत फिर हम तय करेंगे कि बैठक कब होगी और उसके बाद जो है अगले निर्णय जो है फिर जो बैठक में हम मिल बैठ करके तय करेंगे, उस पर उसको आगे बढ़ाएंगे। जो बड़ा निर्णय है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे पूर्ण रिपोर्ट लाने में समय लगेगा और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड है जो पहाड़ी राज्य है, हमारे साथ में पंजाब, हरियाणा है, दिल्ली है, हम उनसे भी इसके बारे में ज़्यादा सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अभी जब सारी सूचनाएं हमारे को मिलेंगी तो तभी हम बता पाएंगे कि इसमें अगर किसी की गलती है तो किसकी है, क्या जो मकान मालिक है जिन्होंने मकान बनाए उनकी तरफ से है, या फिर मकान मालिकों को जिस प्रकार से उनको पहले अवगत कराना चाहिए था विभाग को, उनको अवगत नहीं कराया गया, इस करके जो है सारा कुछ आज एक ऐसा एजेंडा खड़ा हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कि सभी जो है वो चाहे वो प्लानिंग एरिया है, चाहे साडा एरिया है, चाहे यूएलबीज हैं, उससे बाहर होना चाहते हैं। फिर नुकसान हुआ है, उन मालिकों से मिलेंगे, उनके साथ मीटिंगें करेंगे, जगह जगह जा करके उनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि क्या इसका क्या समाधान क्या हो सकता है। उस समाधान की तरफ जो है कमेटी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी और कैबिनेट फिर जो भी फैसला करेगी वो आप सबके लिए शुरू करेगी।